खाना यार थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं हो रहा। 7 से 8 वाटरफॉल देख लिए हैं और अब एक और मिल गया। ये देखो भाई कैसे कैसे जा रहे हैं भाई, नीचे पानी है। आज जिस प्लेस पर हम आए ना भाई, भाई किसी ने नहीं देखा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी। यहाँ पे नीचे से पानी निकल रहा है भाई, जमीन में से। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू ब्लॉग ऑफ उत्तराखंड ब्यूटी। तो मैं हूँ सचिन, और यार हमारी समर स्पेशल सीरीज में ना आपको काफी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, हिडन प्लेसेस रिवील हो रहे हैं, जैसा आप देख भी रहे हो। और आज जिस प्लेस पर हम आए ना भाई, भाई किसी ने नहीं देखा होगा, मतलब मैं डैम श्योर हूँ भाई ये प्लेस किसी ने नहीं देखा होगा। आप खुद बता दो, अगर देखा है ना तो कमेंट कर दो कि हाँ भाई ये प्लेस वहाँ है, यहाँ है, किसी ने नहीं देखा होगा। और भाई मैं ना आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, मैं इस प्लेस की लोकेशन नहीं बता सकता। जो लोग कहते हैं ना कि यार बहुत बढ़िया तुमने स्टार्टिंग में कह दिया कि लोकेशन बताऊँगा, फिर एंड में कहते हो कि मैं लोकेशन नहीं बता रहा, भाई मैं किसी प्लेस को ना पहले जाके देखता हूँ कि वो आपको रिकमेंड सजेस्ट करने के लिए है फिर या नहीं। अब मैंने इस प्लेस को भी देखा, और मेरा प्रीवियस ब्लॉग था वाटरफॉल का, वो भी मैंने देखा था, रिकमेंड करने लायक ही नहीं था यार, वो बहुत डेंजर था, और ऐसी ये वाला प्लेस भी बहुत डेंजर है। अभी मैं आप ना ब्लॉग में देखना पूरा रास्ता कितना डेंजर है भाई, कुछ हो जाता है ना तो हमारे चैनल पर बात आती है। और वैसे भी आपने देखा होगा वो टॉय लोकेशन थी, मेरा कोई इंटेंशन वो नहीं था जो वहाँ के लोगों ने समझा, बट फिर भी मुझे अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी जिसमें मैं काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाता हूँ। तो यार इसीलिए ना मैं इस प्लेस की भी आपको लोकेशन नहीं बताऊँगा, मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको। आप ब्लॉग अभी स्किप करना चाहते हैं ना कर दो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं लोकेशन नहीं बताऊँगा यार इस प्लेस की। हाँ मैं दिखा दूँगा आपको ये लोकेशन कैसी है, और आपको पता है आप देख रहे हो कि कहाँ है तो आप आ सकते हो, बट मैं नहीं बताऊँगा अपने चैनल के थ्रू यार, कोई प्रॉब्लम हो जाए। जो जो पब्लिक के लिए ना लोकेशन है वो मैं आपको दिखा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नहीं दिखा पाऊँगा यार मैं, ठीक है। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इस ब्लॉग को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर कर देना, कर देना, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको, अगर आप करना चाहते हो तो कर देना, ठीक है। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। कि आज मौसम देखो, धूप नहीं है, मुझको कोल्ड हो रहा है, फिर भी ठंडे पानी में नहाने के लिए तैयार है, बिकॉज आपको कुछ न्यू दिखाना है ना। और वैसे भी इस समर स्पेशल सीरीज में ना आप काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस देख भी रहे हो, वाटरफॉल वगैरह सब कुछ, तो दैट्स वाई आज का जो व्लॉग है वो भी काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। बाकी अभी हम लोकेशन पे नहीं पहुँचे, जस्ट एक्सप्लोर चल रहा है अभी, तो कैसे कैसे पहुँचा जाए, वो बहुत दूर से देखा था हमने वाटरफॉल। ये देखो भाई क्या प्लेस है, मेरी वॉइस आ रही है आपको, मुझको नहीं लग रहा, पानी का ना बहुत ज़्यादा नॉइस है यहाँ पे। और भाई प्लेस देखो जरा क्या प्लेस है भाई, ओ ओ भाई ये देखो क्या प्लेस है भाई, गजब भाई, पानी बहुत है लेकिन इसमें पानी बहुत है भाई, प्लेस देखो और मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, पानी बिल्कुल नीचे से जा रहा है, और भाई देखो जरा क्या गजब का वाटरफॉल है भाई, देखा ही नहीं होगा किसी ने, देखा ही नहीं होगा किसी ने। हमारे चैनल पे ना ऐसी कंटेंट भी नहीं है आपको जो किसी ने देखे नहीं होंगे, अभी तो और स्वाद आएगा, आगे चलो अभी तो मेन वाटरफॉल दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई कैसे कैसे जा रहे हैं भाई, नीचे पानी है वो देखो, और कितनी सी जगह है, देख रहे हो क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है किसी हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। ओ माय गॉड बहुत स्ट्रगल है भाई, ओ माय गॉड
एक तो ये ना प्लेस जंगल के अंदर है, ठीक है, और फिर वही जो कुछ लोग कहते हो कि यार आप आके गंदा करते हो, तो इसलिए फॉर नेचर मैं आपको इस प्लेस की लोकेशन नहीं बता पाऊँगा, बाकी लोकेशन आप देख लो। अल्टीमेट है भाई, एक नंबर। ये देखो, ये देखो, और यहाँ देखो, ये देखो भाई, अबे नीचे पताल लोप है क्या? ओह मैन गॉड, अबे नीचे से पानी कहाँ से आ रहा है? पताल लोप नीचे से कहाँ से आ रहा है? ये नीचे कहीं जगह है, वहां से पानी आ रहा है। ये देखो भाई, भाई डरावना तो है। देखो पता है, इसीलिए ना हम आपको हर प्लेस की लोकेशन नहीं बताते। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ आपने बिकॉज मुझको ना लोकेशन नहीं बताई। भाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अनसब्सक्राइब कर दो, बट मैं ना किसी को डेंजर में नहीं डाल सकता। आपको मैंने कोई ऐसी जंगल की लोकेशन बता दी और बाई चांस कुछ आपको हो गया तो बात तो हमारे ऊपर आएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि दूसरों को बताते रहते हो आप लोग कि साफ सफाई का ध्यान दो, ध्यान देते हैं, फिर बाद में आप कहते हो कि हम जूते लेके कूद रहे हैं। भाई जूते पहन के कूदने का रीज़न पता है क्या है? कुछ समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जो वहाँ ऐसी जगह घूमने जाते हैं, फिर दारू पीते हैं, बोतल वहाँ फेंकते हैं, वो पानी में फेंक जाते हैं कि हम बिना जूतों के कूदें। भाई ऐसा भी कंटेंट नहीं बनाना पब्लिक को दिखाने। भाई मैं तो आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि जूते पहन के कूदो ऐसी जगह जहाँ पहली बार जा रहे हो, हर बार ही जगह जा रहे हो, शूज पहन के ही नहाना ऐसी पहाड़ों वाली जगहों में। तो इसलिए भाई जिसने कमेंट किया था कि तुम तो कुछ सफाई का बोलते हो और जूते पहन के कूद जाते हो, तो पता लग गया होगा हम क्यों शूज पहन के पानी में जाते हैं। यहाँ ना यार थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं हो रहा, थोड़ा सा नहाने में भी ना डर लग रहा है। देखो एक और छोटा सा वाटरफॉल। इस लोकेशन में वाटरफॉल तो काफ़ी सारे हैं, बट यहाँ पे नहाना ना थोड़ा सेफ नहीं लग रहा। अंदर से ना, अंदर से कुछ अलग ही वाइब आ रही है यहाँ पे। ओ भाई देखोगे क्या? ये देखो, ये देखो, ये आपको ना बहुत छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है और पानी का जो प्रेशर है ना बहुत तेज है भाई। बट यहाँ पे ना नहाने वाली वाइब नहीं आ रही यार। बस हम भी ना आपको ये प्लेस दिखा रहे हैं, हम भी नहीं नहा रहे यहाँ पे। भाई जिस लोकेशन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना वहाँ पे ना घुसते ही जा रहे हैं हम। मतलब कि अभी अभी हमने 7 से 8 वाटरफॉल देख लिए हैं और अब एक और मिल गया। बट वो ये कि यार थोड़ा सा जगह ना थोड़ी सी डेंजर है। देखोगे प्लेस? ये देखो, और गाइस आपको जो पानी में जो यहाँ पर ब्लू ब्लू लग रहा है ना, यहाँ पे देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे से पानी निकल रहा है भाई, जमीन में से, यहाँ से, ये देखो ये नज़र आ रहा है ये आपको, ये छोटे छोटे बबल्स, ये जमीन में से पानी निकल रहा है। और देखो कितना सारा पानी निकल के ना भाई, जितने वाटरफॉल दिखाए ना मैं आपको सब वहीं जा रहे हैं भाई, कितना पानी है मतलब। ये देखो भाई क्या लोकेशन है, देख रहे हो गाइस? अभी तक तो हमारे मन में था कि यार हम नहीं नहाएंगे, बट ये वाला वाटरफॉल देख के ना रुका नहीं जा रहा, और गर्मी भी हो रही है। और वाटरफॉल को तो देख के ना डर लग रहा था, बट इस वाटरफॉल में ना थोड़ा सा
जो नीचे की ज़मीन है वो भी शो हो रही है, तो थोड़ा सा नहा लेते हैं फिर चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं पानी में। मे बी आपको वॉइस नहीं आ रही होगी, पानी का नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, जो वाटर है ना काफ़ी क्लीन है भाई, और वहाँ जाने में डर लग रहा है। वहाँ क्या है कुछ नहीं पता। अब यार नहाने का मन तो नहीं है, लेकिन नहाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा तो मज़ा आना चाहिए ना। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा पानी है। तो गंगा जी वाली डुबकी मारनी पड़ेगी, पानी भी कम है यहाँ पे, पानी ज़्यादा नहीं है। चलो भाई 1 2 3 मज़ा आ गया भाई सच में। पानी तो चील है, एक डुबकी और मार देते। हो गया भाई, नहा लिया। हिडन प्लेस पे नहा के दिखाना होता है ना, नहा के दिखाया मैंने। और वो अभी ना चाय कितनी फट रही हो। उसका कोल्ड भी हो रहा है, धूप भी नहीं है, फिर भी मैं नहाया है, फिर भी मैं नहाया है दोस्तों। और तुम अनसब्सक्राइब कर रहे हो हैं, ऐसे चलेगा क्या? तो चलो थोड़ा ही मजाक है क्या? और आप हमको अनसब्सक्राइब कर रहे हो भाई, क्यों? मैं आपको ना किसी ऐसे डेंजर में नहीं डाल सकता। तो भाई ये था देहरादून का एक हिडन प्लेस। मैंने आपको इतना बता दिया कि ये प्लेस देहरादून में, बट आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा कि ये प्लेस कहाँ पर। बट यार किसी भी प्लेस की लोकेशन बताना ना यार हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मुझको लगता है कि यार ये प्लेस डेंजर है तो मैं नहीं बताऊँगा। जो लोकेशन पब्लिकली है वो हम आपको बता देंगे, नो इशू। हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो इसी से रिलेटेड है, पब्लिक के लिए है वो, उसकी मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कैसे आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, हम मिलते हैं आपको किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।